स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रेप, अस्सलाम वालेकुम। घर रहे, महफूज रहे, मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। टुडे इज 18th मई एंड द डे इज मंडे। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम इंग्लिश का सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। तो इंग्लिश में हमें जो सबसे पहले डायरी दी गई है वो है जी पेज नंबर 7 होमवर्क। तो जैसे कि हमें माईसेल्फ दिया गया है और माईसेल्फ आप पहले कर चुके हैं, तो आपने रिविजन के तौर पर क्या कर लेना है, खुद से कर लेना है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। मैं जस्ट आपको रीड आउट करके ये बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं जी। आई एम एम आई एम आ बी ओ आई बॉय आई एम आ बॉय। अगर आप गर्ल हैं तो जी आई आर गर्ल आई एम आ गर्ल। नेक्स्ट लाइन एम आई माई एन एम ई नेम माई नेम आई एस एस माई नेम इज आपका नाम आएगा जैसे अली माई नेम इज अली या आमना माई नेम इज आमना। नेक्स्ट I A M M I M F I V E 5 I M 5 Y E A R S years I M 5 years old old I M 5 years old. Next I R E A D read I read I am in I read in C L A double S class I read in class P R E P prep I read in class prep. Next I R E A D read I read I am in I read in G for glorious, E for English, S for school, glorious English school, यानी कि I read in glorious English school. Next, I L I V E live, I live I N N, I live in R for Rawal, and P for Pindi, I Rawalpindi, I live in Rawalpindi. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इंग्लिश डायरी खत्म हो चुकी है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरी उर्दू की तरफ। उर्दू में हमें दिया गया जी पेज नंबर 11 होमवर्क। तो आपने अपने समर टास्क में से अपना पेज नंबर उर्दू में से 11 ओपन करना है। इसमें आपको तोड़ जोड़ दिए गए हैं और इन्हीं वर्ड्स को आपने तोड़ में भी लिखना है और जोड़ में भी। तो आइए लिखते हैं जी कि वर्ड्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है जी जे बेरे बर जबर। अकॉर्डिंग टू द शेप्स आपने पैटर्न को फॉलो करना। जे प्लस बे प्लस रे जबर। अब हम इसको डिस्टेंस के साथ थोड़ा जोड़ में भी लिख लेंगे। छोटा पेपर बना देना अब आपने और छोटा वाला लेके जाकर तिरछी लाइन लगा देंगे तो ये आपका जबर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोर। जे वा जोर है सेकंड जोर। जे लिखेगा या प्लस डाल देंगे वाओ प्लस रे जोर। और इसको आपने जोड़ में लिखने के लिए सिर्फ इसके प्लस रिमूव कर देने हैं और ये बाकी वर्ड जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा तेरे साल लाम हिला ज़्यादा। स्केल का आपने यूजेज कर लिया अरे लाम की बुलाई बना के थोड़ा सा आपने इसका जो क्वेश्चन है तो ऊपर ले गया प्लस हे। ये वर्ड जब हम हिला जब हम जोड़ में लिखेंगे छोटा लाम आपने बनाना है और इसी को आपने लाइन में टच करके इसकी हिस्सा लाइन से नीचे ले आना है। इस तरह का आप बनेगा ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है जी असदहा। अलिफ से असदाल ये रेखा असदहा। अलिफ लिख लें यहाँ पर हमारी इंग्लिश की डायरी खत्म हो चुकी है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइए उर्दू की तरफ। पहला लफ्ज है हमारे पास जबर। जबर को पहले हम लिखेंगे तोड़ में से प्लस बे प्लस रे। क्या बन गया जबर। जे मेरे बर जबर। सबसे पहला लफ्ज हमारे पास से आगे बे बे को छोटी शिकार बनाई थी उठा के इसमें आपने फिर इसके साथ रे जोड़ देना है।
अगला लास्ट है हमारे पास जोर, जेर प्लस वाओ प्लस रे, जोर क्या बन गया, जे नेक्स्ट वाओ फिर रे, जे वम जोर ऐसा के जोर। अगला लफ्ज हमारे पास यला, ये प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस हे यला, ये को आपने लिखना पहले, फिर आ गया हमारे पास अलिफ लाम, लाम को छोटी इश्काल नहीं हूँ, ला की लाइन के ऊपर मोड़ देना है, फिर आपने हे को यहाँ से नीचे की तरफ लिया है, या फिर कुछ टीच का लिखेंगे ला के साथ जोड़ के तो आपने उसको यहाँ नीचे लिया है लाइन चेंज थोड़ा सा, ये लिखिया ला ने ला या ला। आगे लास्ट है हमारे पास आयदहा, अलिफ प्लस ये प्लस दाल प्लस हे प्लस अलिफ आयदहा, सबसे पहले हमारे पास अलिफ, फिर आ गया ये, आ गया दाल, अगला लफ्ज हमारे पास हे, हे को छोटी इश्काल में ऐसे लिखेंगे आप, फिर आपने इसके साथ अलिफ जोड़ देना है, आयदहा अलिफ ये ए दाल हे लिफा आयदहा। अगला लफ्ज है हमारे पास सेब, सीन प्रॉपर बुलाई में आपने लिखना ऐसे, फिर आगे है प्लस ये प्लस बे सेब, छोटी स्टार में आपको सीन लिखना सिखाया गया है, लेकिन सीन लाइन से उठा के दो शोशे आप लाइन से उठा के लिखने हैं, तीसरा लाइन से टच करेंगे, फिर आगे हमारे पास है ये छोटी स्टार में ऐसे लिखने हैं आपने, अगला लफ्ज है बे, फिर आपने उसको बे को बना देना है, सीन ये से बेसाकिन से। अगला लफ्ज है हमारे पास साग, सीन प्लस अलिफ प्लस गाफ, गाफ को आपने स्टार्ट वाली साइड से, इस साइड से थोड़ा सा ऊपर करना है, इस साइड से थोड़ा सा नीचे होगा गाफ, सीन को फिर आपने छोटी शिकार में लिखना है, पहले दो छोटे लाइन से उठाने हैं, तीसरा आपने लाइन से टच कर देना है, आगे अलिफ तो आपने इसके साथ अलिफ जोड़ देना है, आगे गाफ सीन अलिफ सा गाफ सा किन साग। अगला लफ्ज है हमारे पास शाम, शीन प्लस अलिफ प्लस मीम शाम, जिस तरह हमने सीन को लिखा था शीन को किस तरह लिखेंगे, पहले दो छोटे लाइन से उठाने हैं, तीसरा आप लाइन से टच कर देना है, आगे है अलिफ, फिर अगला लफ्ज है मीम, क्या बन गया शीन अलिफ शाम साकिन शाम। आखिरी लफ्ज है हमारे पास शोर, शीन प्लस वाओ प्लस रे शोर, शीन को जब वाओ के साथ जोड़ेंगे तो उस लाइन से उठा के लिखेंगे पूरा, और तीन शीन शोशे बिल्कुल आपने बराबर जोड़ लिखने हैं ऐसे, तीसरा शोशा थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ऊपर से वाओ आपने जोड़ना है, जोड़ के लाना है गोल करके लेके आना नीचे, शीन वाओ शो रे साकिन शोर। अब आपने इसको पढ़ना है, जे बेरे बर जबर, जे वाओ जोर रे साकिन जोर, ये लिखिया लम हिला याला, अलिफ ये ऐ दाल हे लिखा ऐदहा, सीन ये से बे साकिन सेब, सीन अलिफ सा गा साकिन साग, शीन अलिफ शा मिम साकिन शाम, शीन वाओ शोर रे साकिन शोर। इसी के साथ हमारी उर्दू का काम आज कम्प्लीट हुआ।
तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डायरी मैथ की तरफ। मैथ में हमें दिया गया है जी पेज नंबर 16+17 होमवर्क और बुक। तो आपने अपने मैथ का जो है पेज नंबर 16 ओपन कर लेना है और इसमें आपको दिए गए हैं जी टेंस एंड वंस। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, इसमें आपने क्या करना है कि जी जैसे आपको ये नंबर दिया गया है 31 में 3 जो है फर्स्ट डिजिट वंस कंसिडर होगा और ये अगर 2 डिजिट हो जाएंगे तो ये टेंस कंसिडर होगी। यानी कि 31 में 3 एंड 1 जो है वो 2 नंबर्स कंसिडर हो जाएंगे और 3 टेंस में आएगा और 1 वंस में। एक मैं आपको सेकंड वन करके बता देती हूँ, ये है जी 32 में आपका जो नंबर है 2 ये वंस में कंसिडर होगा और इसका जो सेकंड डिजिट है वो है जी 3 ये टेंस में कंसिडर होगा। इसके मुताबिक आपने अपना सारा जो पेज है ये कर लेना है। नेक्स्ट जो हमें इसमें दिया गया है नेक्स्ट पेज पेज नंबर 17 वो है जी काउंट एंड जॉइन टू द करेक्ट नंबर 1 हैज बीन डन। तो जो फर्स्ट हमें दिया गया है वो इसमें 10 का एक हमें बंडल दिया गया है, उस बंडल में 10 जो हैं स्टिक्स हैं, उसके अलावा सेकंड में 1 स्टिक है एंड थर्ड पे 2 स्टिक्स हैं। अब आपने इसकी काउंटिंग करनी है, 10 में आगे 2 वाले जो स्टिक्स हैं वो प्लस कर देनी है। फर्स्ट जो है वो है जी 10 में आप 1 प्लस करेंगे 11 बन जाएगा, उसमें अगले 2 प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा और आपने फर्स्ट वाले को 13 जो नंबर है वो आपने ढूंढ के उसके साथ मैच कर लेना है। ये आपका फर्स्ट वाला जो है कॉलम मैच हो गया है और बाकी आपने पेरेंट्स की निगरानी में इस तरीके से खुद कर लेना है और ये इसके साथ आपकी मैथ की जो डायरी है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डायरी है जी हमारी नेम्स की, इसमें आपको जी टेडी बियर फुल लर्न आपने करना है, वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, उसमें आपने एक्शंस के साथ अपना ये पेम्स का काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डायरी की तरफ चलते हैं जी पीडी पेज नंबर 12 की 3rd and 4th लाइन है जी। इसमें आपने पिक्चर डिक्शनरी में आपने पिक्चर डिक्शनरी का आपने पेज नंबर 12 ओपन करना है और लास्ट 2 लाइन्स हैं जी इसमें आपकी, आइए इनको पढ़ लेते हैं और इनके मीनिंग भी ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला वर्ड है जी स्वीट SWWET स्वीट BREAD ब्रेड स्वीट वर्ड स्वीट ब्रेड मीन मीठी रोटी। नेक्स्ट HONEY हनी हनी मीन शहद। MILK मिल्क मिल्क मीन दूध। लास्ट लाइन है जी SAUSAGE सॉसेज सॉसेज मीन होता है गोश्त का कतला। नेक्स्ट KIWI कीवी कीवी मीन कीवी एंड EGG एग एग मीन अंडा। इसके साथ ही हमारी पिक्चर डिक्शनरी का काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की डायरी मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको आज की डायरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वालदैन अपनी निगरानी में बच्चों को तमाम काम कराएं और कल हम अपने नए सबक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।